तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम करने वाले ओप्पो A17K का कैमरा टेस्टिंग, साथ ही गाइस ऑल ओवर स्मार्टफोन कैसे देखने को मिलता है, आपने इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको गाइस ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में इंटेक बने रहिए, और चैनल में भी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते। तो गाइस सबसे पहले इसमें डिजाइन की बात करते तो गाइस इसके जो बैक साइड है ये आपको मैट और प्लास्टिक से बनी हुई देखने को मिलती है। इसके बैक साइड में जो आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है ये आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलती है, और इसके कैमरे के आजू बाजू जो दोस्तों लाइनिंग दी हुई है ये भी आपको दिखने में काफी अच्छी लगती है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये रफ एंड टफ यूज के लिए ये स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा है। गाइस इसमें डिस्प्ले की अगर बात करते तो ये स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.56 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका जो डिस्प्ले गाइस ये आपको काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है, डिस्प्ले की भी क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। गाइस इसमें कैमरे की भी बात करते तो इसके रियल साइड में आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो गाइस इसके कैमरे से मैंने जो फोटोज और वीडियोज निकाले वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। तो गाइज सबसे पहले आपको जो है ये नॉर्मल फोटो है, ये क्लोज से ली हुई फोटो है, आप देख सकते हो फोटो की क्लियरिटी आपको कितनी अच्छी देखने को मिलती है। गाइज ये भी जो है ये नॉर्मल फोटोज है, ये सब आउटडोर वाली फोटोज है, इसमें डिटेलिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, और कलर कॉन्ट्रास्ट भी इसका आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। गाइज आप इसमें डायनेमिक रेंज भी देख सकते हो। इसके बाद गाइज इसके अंदर ये 2x और 5x जूम वाला फोटो है। इसके बाद गाइस इसके अंदर मैंने और थोड़ी क्लोज फोटो ली है, क्लोज फोटो इसके अंदर थोड़ी लेने में मेहनत लगती है पर काफ़ी अच्छी फोटो इसके अंदर आती है। इसके बाद गाइस इसके अंदर ये जो है ये नॉर्मल सेल्फी ली है, सेल्फी इसके अंदर आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। इसके बाद गाइस इसके अंदर जो है ये मैंने नॉर्मल वीडियो लिया है, वीडियो की क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, इसके प्राइस के हिसाब से ये भी आपको एकदम ठीक ठाक देखने को मिलती है, मतलब इसका ऑल ओवर जो कैमरा है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपने इसके फोटोज और वीडियोज देखे होंगे, आपको काफी अच्छे क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको क्लियरिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, और जो क्लोज फोटो है गाइज इसके अंदर काफी अच्छे आते हैं, इसमें कैमरा आपको काफी अच्छे क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। गाइज इसमें परफॉर्मेंस की भी बात करते तो ये स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक हेलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, आप कभी नॉर्मल गेमिंग करते हो तो ये उसके लिए चल जाएगा, आपका कभी हेवी यूज है तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस आपको नहीं चलने वाला है। गाइस इसमें बैटरी की भी बात करते तो ये स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। गाइस इसके अंदर आपको दो कलर देखने को मिलते, एक नेवी ब्लू और एक गोल्ड कलर। इसके अंदर वेरियंट की भी बात करते तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरियंट देखने को मिलता है, 3GB की रैम और 64GB का वेरिएंट, और इसकी जो प्राइस है ये आपको 10,500 देखने को मिल जाते हैं। गाइस ऑल ओवर जो स्मार्टफोन है ये आपको काफी अच्छा बजट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, ये प्राइस रेंज के अंदर आपको और भी काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते, पर ऑल ओवर ये जो स्मार्टफोन है ये मुझे काफी अच्छा लगा। गाइज आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताना, और गाइज वीडियो को भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।